अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और मेरे चैनल नॉलेज अब में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद मक्खी के हवाले से। जैसा कि आजकल फसलों के ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपको केमिकल कंट्रोल के हवाले से बताऊँगा कि सफ़ेद मक्खी के लिए बेहतरीन केमिकल कौन सा है और वो कौन कौन सी कंपनियाँ इस केमिकल को दे रही हैं, ठीक है, और कौन कौन से केमिकल हैं जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं या जिनके इस्तेमाल से इस पर कुछ ख़ास बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिला। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा जो ये चैनल है आपने इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे यहाँ पर आपने रेड बटन क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आगे जाके मैं साथ में जो भी वीडियोज़ डालूँगा, चाहे वो गुलाबी सुंडी के हवाले से हैं, चाहे वो मिली बग के हवाले से हैं, तो उसकी आपको अपडेट साथ साथ मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले जो बात की जाती है, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां पर आपको ज़िंदगी के मराहल जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके जो ज़िंदगी के मराहल हैं वो आपको बताए जाते हैं। एग है, उसके बाद ये फर्स्ट स्टार, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड अडल्ट होता है, ठीक है। आप अक्सर जो देखते हैं फील्ड में वो आपको अडल्ट नज़र आता है। ज़्यादातर आपको जब मक्खी का हमला होता है तो आपको उसके ना अंडे नज़र आते हैं और ना आपको उसके जो ज़िंदगी के दूसरे जो स्टेजेस हैं वो नज़र आती हैं, आपको डायरेक्ट जो है वो उसका बालिग नज़र आता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर जो अक्सर लोग आपने कहते हुए सुना होगा कि जनाब मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही, हम इसके ऊपर स्प्रे भी करते हैं लेकिन मक्खी कंट्रोल नहीं होती। मैं अभी आपको इसके हवाले से बताऊंगा कि आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। कीड़ों के अंदर एक चीज़ होती है, तकरीबन हर जानदार में होती है, कुव्वत मुदाफियत, या जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक ही जहर को किसी भी कीड़े के ऊपर या किसी भी जानदार के ऊपर बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये नुकसान होगा कि उसके अंदर उस जहर के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफियत आ जाएगी, जिसकी वजह से अगर आप वो स्प्रे करते भी हैं तो आपके जो कीड़े हैं वो ख़त्म या मरते नहीं हैं, ठीक है। तो बात करते हैं रस चूसने वाले जितने भी कीड़े हैं उसमें एक ग्रुप आपने अक्सर सुना होगा जिसको हम नियो निकोटिनाइड्स कहते हैं। निकोटिनाइड्स के अंदर जो जहर आ जाते हैं उसमें अमीडा क्लोप्रेड है, थाइमेथोक्सम है, असीटामेप्रेड है, ठीक है, और भी काफ़ी जहरें हैं जो कि इस ग्रुप में आती हैं, जो ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, जैसे जैसेड के लिए, तेले के लिए, ठीक है, सफ़ेद मक्खी के लिए। तो अब अक्सर ये जो ग्रुप है इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो इनका फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है अमीडा क्लोप्रेड का, थाइमेथोक्सम का, मतलब क्योंकि इनका ग्रुप एक है, ठीक है। अगर आप एक ही ग्रुप की जहरें बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर ही नहीं होना। पिछले चंद सालों में ये जो जहरें हैं और इनके अलावा और भी काफ़ी जहरें हैं जो मैं अगली आगे जाके आपको बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी हैं, ठीक है, जिनमें मैं अभी नाम ले लेता हूँ। वैसे मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका पैर प्रोक्सीफिन हो गया, मोवेंटो हो गया, मॉस्पिलान हो गया, उसके बाद और भी काफ़ी मल्टी नेशनल और नेशनल जेनेरिक भी कंपनी हैं जो कि मक्खी को मारने के प्रोडक्ट्स दे रही हैं, लेकिन मक्खी के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा जहर है, क्योंकि मैं काफ़ी इस गुलाबी, क्या नाम है, गुलाबी सुंडी के हवाले से बात होगी, मक्खी के हवाले से जो है कि मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है और जो मेरे अपना तजर्बा भी है ज़ाती इस हवाले से कि वो कौन सा केमिकल है जो मैं ख़ुद अपनी ज़मीन पर इस्तेमाल करवा रहा हूँ। जो हमारे अभी जो मेरा इलाका है वो कॉटन बेल्ट ही है जहाँ पर हम ये कपास वगैरह उगाते हैं, तो इसमें जो सबसे बेहतर है, ठीक है, वो केमिकल जो है वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गई होगी कि ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, एक ही ग्रुप के जहर बार बार इस्तेमाल करने से क्या होता है, ठीक है, और वो कौन कौन से केमिकल हैं। आपने वैसे लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तकरीबन 100 से 200 प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ कंपनियों के ऐसे हैं जो कि मक्खी को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आती। तो इसके लिए जो मेरे जो मैंने देखा है, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैंने इस्तेमाल किया है ये जहर जिसको हम फ्लोनिकेमिड कहते हैं। फ्लोनिकेमिड जो जहर है ये मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज इनको दे रही हैं। ये जो केमिकल है अभी तक
सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के हवाले से काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स दूसरे मार्केट में मौजूद हैं। अगर आपकी फसल में सफ़ेद मक्खी का हमला आता है तो आपको, अगर आपके इलाके में कोई भी कंपनी जो ये केमिकल दे रही है, आप उसका एक दफ़ा इस्तेमाल लाजमी करें। इसके इस्तेमाल से उम्मीद करता हूँ आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप केमिकल भी ठीक लेके आते हैं, आपको कीड़े की पहचान भी ठीक हो जाती है, केमिकल भी ठीक लेके आए हैं, लेकिन जब स्प्रे करते हैं तो उसका असर नहीं होता। उसकी वजह ये होती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो होती है वो पत्तों की बैक साइड पे, पत्तों के पीछे नहीं जाती। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ज़्यादातर जो कीड़े हैं जब धूप पड़ती है पौधों के ऊपर, तो ख़ुद को वो धूप से बचाने के लिए क्या करते हैं, पत्तों की बैक साइड पे आ जाते हैं। अभी आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि पत्ते की जो पिछली साइड है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ पड़ा है। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आप स्प्रे करते हैं, तो जो बंदा स्प्रे करने वाला हो उसने ये चीज़ देखनी है कि जो स्प्रे है वो पत्ते के पीछे भी लगे। प्रेशर से स्प्रे होना चाहिए, नीचे से भी, नीचे से ऊपर की तरफ भी उसको स्प्रे करना चाहिए, ताकि जो ये जो जहर है ये नीचे तक भी जाए, नीचे भी इसके जो अंडे हैं, जो बच्चे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएं। दूसरी एक बीमारी होती है पत्ता मरोड़ वायरस। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनाब जो थ्रिप्स का हमला होता है और जो पत्ता मरोड़ वायरस का हमला होता है, इनमें काफ़ी मुमासलत होती है, ये दोनों काफ़ी मिलती जुलती हैं। इसमें एक ख़ास डिफरेंस होता है, मैं आपको आगे चल के वो भी बता देता हूँ कि थ्रिप्स के हमले में और पत्ता मरोड़ वायरस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी रस चूसने वाले कीड़ों का हमला होता है, आपने वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपकी फसल के, कोई भी फसल है चाहे कोई भी पौधा है, जहाँ पर रस चूसने वाले कीड़ों का अगर हमला हो चुका है, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो उसके पत्ते हैं वो काले हो जाते हैं। अक्सर जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो ये कहते होते हैं कि जनाब हमारी कपास के पत्ते जो हैं वो काले हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके क्या वजह हो सकती है? होता ये है कि जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जब ये पत्तों का रस चूसते हैं, तो क्या होता है कि वो जो पत्तों के अंदर से, ठीक है, पत्तों के अंदर से भी चिपचिपा मादा बाहर निकलता है, दूसरा वो अपने जिस्म से भी चिपचिपा मादा बबल्स की सूरत में बाहर निकालते हैं, और वो पत्ते की जो सरफेस है, जो पत्ते की सतह है, उसके ऊपर लग जाता है। क्योंकि वो जो पानी का कतरा है, जो भी है, वो बिल्कुल चिपचिपा होता है, कोई भी चीज़ को टच करे तो उसके साथ चिपक जाती है। बाज़ दफ़ा आंधी चलती है या हवा में जो गर्द गुबार होती है, जो मट्टी होती है, वो उसके साथ वहाँ पर चिपक जाती है। उसके अलावा आम तौर पर ये बात देखने में आई है कि पौधे के ऊपर एक बीमारी आ जाती है जिसको हम कहते हैं सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड दरअसल एक फंगल बीमारी है, जब ये पत्ते के ऊपर अटैच होती है तो वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ शुरू करती है और आपका पत्ता बिल्कुल काला हो जाता है, जैसा कि आप अभी तस्वीर पे देख रहे हैं कि कलक से लग जाती है पत्ते पे। सेम यही चीज़ आपकी कपास पे होती है। इसके लिए क्या कहा जाता है कि अगर इसका इस तरह हो जाता है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप मार्केट से नीम ऑयल ख़रीदें। किसी भी पंसार स्टोर से, आपको देसी जितने भी पंसार स्टोर है वहाँ से नीम ऑयल मिलेगा। वो नीम ऑयल, जिस तरह नीम का दरख्त नहीं होता, नीम के दरख्त से वो एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, उन पत्तों से, उनके बीजों से, छाल से, उस नीम ऑयल का जब आप स्प्रे करवाएंगे, एक तो पत्ते धुल जाएंगे, दूसरा वो जो नीम ऑयल होता है वो एक फंजीसाइड भी होता है, सूटी मोल्ड भी इससे कंट्रोल हो जाएगी, और वो काफ़ी हद तक कीड़ों को भी असर करता है और ऑर्गेनिक है। अगर वो बंदा पी भी लेना तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर पत्ते काले हो जाते हैं इस तरह, तो आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ये, इसमें आपको आपकी सेहत पे, माहौल पे कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा, अब फ्लोनी केमिट के इस्तेमाल से आप इसको मार सकते हैं, क्योंकि अभी मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा। हाँ ये है कि जो कंपनी ये प्रोडक्ट्स, ये केमिकल दे रही है, उनमें से चंद एक मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो है आईसीआई कंपनी का एक प्रोडक्ट है उराला, उसके अंदर भी ये केमिकल होता है फ्लोनी कैमिट के नाम से। ठीक है, इसका भी अक्सर लोग इसको जानते भी हैं, वो इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। ये इसके साथ साथ थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, साथ तेले को भी करता है, लेकिन जो चीज़ मेरे इल्म में आई है, जो मैंने देखा है, तो ये थ्रिप्स और तेले के ऊपर इतना ज़्यादा इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, अलबत्ता मक्खी को ये सही कंट्रोल करता है। दूसरा भी नया प्रोडक्ट है ये सजेंटा कंपनी का, डोमी के नाम से, इसके अंदर भी फ्लोनी कैमेट होता है। ठीक
ठीक है। और एक एजी फार्मा का है प्रोडक्ट बिग हिट के नाम से, इन्होंने फ्लोनिकेमिड के साथ एक और केमिकल भी इसमें ऐड कर दिया है, दोनों का कम्बिनेशन है ये भी, जो हमारी सफेद मक्खी है उसको मारने के लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है, मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, अलबत्ता इनका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, तो अगर आप ये इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो प्रेफरेंस दी जाती है वो होती है मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। जेनेरिक में कुछ जेनेरिक के भी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल या रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा मिलावट होती है। केमिकल स्प्रे भी करते हैं, सस्ता भी होता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।